जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एपेक कंपनी को हायर किए जाने का विरोध लगातार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवार कर रहे हैं। इन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था और इनकी यही मांग है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपेक को क्यों हायर किया गया। आप देखिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च यहाँ पर किया जा रहा है और आप देखिए कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो लगातार इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों एपेक को जो है वो हायर किया गया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग राजभवन घेराव करने जा रहे हैं, कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं, मकसद क्या है? एलजी साहब को जगाने का हमारा मकसद है। कल हमारे चेयरमैन साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है जिसमें वो एपेक को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं और एस्पिरेंट्स को बोलते हैं वो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिए सीरियस एस्पिरेंट्स की और अपलोड कीजिए, उस पे हम देखते हैं हम आप फॉलो करते हैं। एलजी साहब से आप लोगों की बातचीत हुई? हमसे कोई बातचीत नहीं और कोई तो उनसे उनको ही तो जगाने जा रहे हैं हम सब। देखिए ये प्रदर्शनकारी उम्मीदवार हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। ये कहा जा रहा है कि क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपेक को हायर किया गया है। आप देखिए प्रदर्शनकारी जो हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, राजभवन घेराव करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आपको प्रदर्शनकारी उम्मीदवार दिखेंगे और लगातार ये मांग की जा रही है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपेक को जो है वो क्यों हायर किया गया। कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, राजभवन घेराव करने जा रहे हैं, क्या बातचीत हुई आपकी, आपने कोशिश की एलजी साहब से मिलने की? सर देखो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, यहाँ पर हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है? एक हेड ऑफ द स्टेट का यही फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी प्रजा की बात सुने या उनके जो भी हक है उनके लिए वो लड़े, उनके लिए उनके हक दे। उनके बच्चों का कसूर क्या है? वो एक ब्लैक लिस्टेड की मांग कर रहे हैं कि उसको रिमूव करो, उसको हटाओ, हम पेपर देने का। गठिया बांधी गई आप लोगों को? हाँ, दो दिन पहले वही तो बोल रहा हूँ, डिक्टेटरशिप है ये। डिक्टेटरशिप में बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं, 3 साल से बच्चे खज्जल हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की जवानी चली गई। और आप देखिए बेहद ज़्यादा तादाद में ये वो उम्मीदवार हैं जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत एग्ज़ाम देते हैं और इनका ये कहना है कि क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपेक को हायर किया गया है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आज हाथों में मोमबत्तियां लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, राजभवन घेराव की कोशिश की जा रही है और इन तमाम उम्मीदवारों का ये कहना है कि किसके कहने पर किसके इशारे पर ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हायर किया गया। ये देखिए यहाँ पर गुस्से का इजहार किया जा रहा है अनोखे तरीके से और लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी उम्मीदवार हैं जस्टिस की बात कर रहे हैं, एपेक गो बैक के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए एक विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका इनकी ओर से अपनाया गया है और लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनी जो है उसको हायर किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्यों हायर किया गया जाता, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और ये एक स्टेट से लास्ट स्टेट से ब्लैकलिस्ट की गई है और इसलिए इसको रिमूव करना चाहिए। हाथों में तिरंगे झंडे लिए ये आप देखिए तमाम उम्मीदवार एपेक गो बैक के नारे लगा रहे हैं, सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और यही इनका कहना है कि आखिरकार किसके इशारे पर किसके कहने पर ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपेक को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हायर किया है।